यार गाइस, अभी ये ना एक कांड हो गया यार। कांड ये हो गया है कि ना गाड़ी का ना टायर पंक्चर हो गया यार। पंक्चर नहीं, मतलब फट गया एक टाइप का ना। पता नहीं कहीं टकराया क्या हुआ, मुझे नहीं पता। बट ये 1600 किलोमीटर गाड़ी चली है यार। अभी 1600 किलोमीटर में आगे वाला टायर फ्लैट हो गया, एकदम कट आ गया उसमें। आई डोंट नो कि वो रिपेयरेबल है कि नहीं है, बट मुझे नहीं लग रहा वो रिपेयरेबल है। क्योंकि अगर वो रिपेयरेबल होगा तो फिर भी दिक्कत है यार, तो कभी भी फट सकता है। फिर मैंने अभी अपोलो में कंप्लेंट तो करी है। देखो अपोलो वाला आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, देखना है क्या करता है। मुझे तो टायर रिप्लेस करवाना है भाई, पूरा नया टायर चाहिए यार। अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा चल गया हो, ऐसा कुछ हो, या कई हज़ार किलोमीटर चल गई हो गाड़ी। देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है, और जैसा भी रिस्पांस रहेगा। फिलहाल तो मैंने टायर को खुद ही चेंज कर दिया है। अब रोड पे मरता ना क्या करता, चलो वो तो चेंज हो गया है, अच्छी बात है। और अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ। काफ़ी मेरा पूरा कपड़े भीगे हुए हैं यार, काफ़ी पसीना आ गया था, काफ़ी पसीना। तो फिलहाल चलते हैं ऑफिस, फिर बताते हैं आपको कैसा रिस्पांस रहा अपोलो का। 48 घंटे का टैट है उनका, और उस टैट में देखते हैं क्या करने वाले हैं लोग, कैसे करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी ठीक है, जैसा भी है देखते हैं। कहीं ऐसा ना यार पूरा बोल दे पूरा टायर खरीदना पड़ेगा जी। चलो फिलहाल तो स्टेपनी से काम चल रहा है, बट एक स्टेपनी तो होनी चाहिए गाड़ी में यार। चलो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, कोई दिक्कत होगी तो मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, या फिर अगली वीडियो बनाऊंगा नई वीडियो कि उनका क्या रिस्पांस रहा। तो तब तक के लिए बाय, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, जो भी करना है कर दीजिए प्लीज। ओके बाय बाय।